हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी टाइम ओली। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टडी टाइम ओली में। मेंस 365 सीरीज को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक टॉपिक को यहां हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा एनवायरमेंट का लेक्चर नंबर फर्स्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन, मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता देना चाहता हूं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट www.studytimeacademy.com में विजिट कर सकते हैं। नीचे लिंक दिया गया है, तो वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट पिक्चर्स की मदद से और फ्लो चार्ट की मदद से मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करना है, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बॉडी, किस तरीके से सभी चीजों को लिखना है, मैप की प्रैक्टिस कैसे करनी है, किस तरीके से कहां पे कैसे मैप को इंक्लूड करना है, वो सारी चीजें इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे और साथ में ही आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आपको लेक्चर लास्ट तक देखना है और इसको कंटिन्यूसली रिविजन करते रहना है, तभी आप इसका फायदा उठा पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ये हमारा एनवायरमेंट का क्लास फर्स्ट है, इसमें हम देखेंगे पहला पॉइंट है क्लाइमेट चेंज। इसके अंदर हम स्टैटिक टॉपिक को भी कवर करेंगे और करंट अफेयर्स को भी कवर करेंगे। देखिए स्टैटिक टॉपिक हम इस तरीके से कवर करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे करंट अफेयर्स में है, करंट में रहे हैं, उसको हम स्टैटिक डिराइव टॉपिक को हम कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आंसर राइटिंग किया जाए, वो भी हम इसके अंदर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लाइमेट चेंज, आपको पता होना चाहिए क्लाइमेट चेंज क्या है। अगर मैं आपसे जनरली डेफिनेशन पूछता हूं, कभी भी अगर क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्वेश्चन अराइज होता है मेंस के अंदर, जो 2020 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये लेक्चर, और साथ में जो 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं या 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो भी अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं इस लेक्चर को देखने के बाद। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा डेफिनेटली। क्लाइमेट चेंज की अगर मैं बात करता हूं, क्लाइमेट चेंज क्या है, हम जनरली हमारा पर्सपेक्टिव जाता है दैट मींस ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्लोबल टेम्परेचर को इंक्रीज होना। लेकिन सिर्फ ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होना क्लाइमेट चेंज नहीं है, बहुत सारी चीजें इससे डिराइव होती हैं जिससे हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। जैसे कि क्लाइमेट चेंज रिफर्स टू द सिग्निफिकेंट चेंज, ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं अपने मेंस के आंसर राइटिंग में, और पैटर्न में प्रेसिपिटेशन और विंड पैटर्न्स में अगर चेंजेस हो रहा है और रेनफॉल में, रेनफॉल के अंदर चेंजेस देखने को मिल रही हैं, तो वो सारी चीजें क्या होती हैं, वो क्लाइमेट चेंज के अंदर आएंगी। क्लियर हो गया पॉइंट्स, क्लाइमेट चेंज की हमने बात करी। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, जनरली हम क्या करते हैं, इन दोनों को रिलेटिवली एक दूसरे की जगह पे यूज करते देखा गया है, हम इसको यूज कर भी सकते हैं। क्लियर। अब इसके कॉजेस क्या हैं, ये आपको मैं अगर बता दूं, इसके जनरल से कॉजेस है जैसे कि एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस एंड नेचुरल कॉजेस। दो तरीके के कारण होते हैं, एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन मेड एक्टिविटीज, ह्यूमन की जो एक्टिविटीज हैं उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम निकल के आ रही है वो, और नेचुरल रीजन। तो इसमें आपको याद रखना है ह्यूमन की एक्टिविटी जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज्यादा यूज करना, डिफोरेस्टेशन करना बहुत तेजी से, पेड़ पौधों को काटना, व्हीकल्स का इंक्रीज होना, इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस हो गई, इंडस्ट्री को बहुत तेजी से बढ़ना, इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी जो हो गई वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है जिससे हमारा क्लाइमेट चेंज इफेक्ट हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लियर हुआ पॉइंट। नेचुरल कॉजेस की अगर मैं बात करता हूं, जैसे कि सन स्पॉट एंड सोलर साइकिल, आपको प्रीवियस हमने डिस्कस किया हुआ है, जब प्री का लेक्चर था वहां पे भी हमने ये चीज डिस्कस किया हुआ है। ओशन करंट्स हो गया, फॉरेस्ट फायर्स हो गया, जो नेचुरल फॉरेस्ट फायर होते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, मेटेरॉइड्स जब भी टकराते हैं आपस में या उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं, ये सभी के सभी नेचुरल कॉजेस हैं जिसकी वजह से हमारे क्लाइमेट में इफेक्ट होता है और क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है। क्लियर हुआ पॉइंट्स। चलिए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हैं, टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखता हूं, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ में अगर आप चाहते हैं कि ये लेक्चर्स, ये अटेम्प्ट क्वेश्चन आपके मैं चेक करूं या फिर इसको रिव्यू करूं, तो आप studytime717@gmail.com में मेल कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पे आप हमारे डायरेक्ट आंसर भेज सकते हैं, तो वहां आपके आंसर का रिव्यू भी मिल जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप चाहिए तो इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा और वेबसाइट से भी जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर पहला है, आप इसे एक बार रीड कर लीजिए। क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम
हाउ इंडिया विल अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। आगे हम इन सभी क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा इसके पॉइंट्स को डिस्कस भी करेंगे। हाउ हिमालयन एंड कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया विल अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज, ये 2017 के अंदर ये क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर पूछा गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरीके से क्वेश्चन। और ये क्लाइमेट चेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से, आप ये कह सकते हैं इज ए स्टैटिक टॉपिक भी है, करेंट अफेयर्स का टॉपिक भी है। अगर आप इसे कर लेते हैं डेफिनेटली आपका एक से दो क्वेश्चन आपको हर साल इसके ऊपर पूछा जाता है। आप देख लीजिए पिछले चार सालों से 2014 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया, तो लगातार इसके ऊपर क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं और आगे और भी क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इसलिए इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। इन चारों क्वेश्चन को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा अभी तक पॉज करके, या फिर आप पीडीएफ से आप इसको रीड कर सकते हैं और इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। आगे चलते हैं, कुछ रिपोर्ट्स होती हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि कुछ रिपोर्ट्स हमारी प्रीवियस रिलीज होती हैं उनको हम अपने आंसर राइटिंग अगर इंक्लूड करते हैं तो हमारे आंसर राइटिंग का वेटेज बढ़ जाता है, आपको नंबर्स जो है आधा नंबर और एक नंबर जो है ज्यादा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आप ये रिपोर्ट्स को इंक्लूड करेंगे, जैसे कि मैं आपको अगर यहां पे बता दूं, इन 2013 द आईपीसीसी फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट has identified that climate change is a real and human activity are the main cause. It highlights that from 1880 to 2012, the average global temperature increased by 0.85 degree Celsius. तो आप यहाँ भी बताया गया है इस रिपोर्ट के अनुसार 1880 से 2012 तक जो हमारा ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो 0.85 डिग्री सेल्सियस जो है इंक्रीज हुआ है। तो अगर इसी तरीके से इंक्रीज होता रह गया तो बहुत प्रॉब्लम देखने को आगे मिल सकती है। अब इसके क्या क्या इंपैक्ट्स होंगे, जब भी अगर बात की जाए इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज तो उसके अंदर हम क्या क्या लिखेंगे वो हम देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इंडियन रीजन के अंदर क्या इंपैक्ट होगा, सबसे हमारे लिए जो हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन है उसको हम देखते हैं इंडियन रीजन के अंदर क्या इंपैक्ट होगा। एज पर द रिपोर्ट ऑफ जर्मन वॉच के द्वारा ये रिपोर्ट को रिलीज किया गया है, तो इसको आपको याद रखना है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ये जो इंडेक्स जो है ये रिलीज की जाती है जर्मन वॉच के द्वारा। देखिए आपने ये प्रीलिम्स के दौरान पढ़ा होगा और ये जो चीजें हैं अगर आप मेंस की आंसर राइटिंग में पुट अप करते हैं तो आपका आंसर की क्वालिटी बढ़ जाती है। India's rank has fallen from 14th spot in 2017, तो 14th नंबर पे था 2017 में, then 5th नंबर पे आ गया most vulnerable country in the climate change in 2018, तो 2018 में जो है ये बहुत ही most vulnerable countries के अंदर आ चुका है इंडिया, तो ये आपको याद रखना है। इंडिया हाई रैंक इज ड्यू टू सेवरल रेनफॉल, बहुत ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है, फ्लड देखने को मिला है, लैंडस्लाइड देखने को मिला है। अगर आप लोगों ने थ्रूली न्यूज़पेपर को फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा, या फिर जनरल न्यूज देख रहे होंगे तो पता होगा कितने ज्यादा क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ इंडिया के अंदर देखने को मिलता है, कितने ज्यादा रेनफॉल हो गई, फ्लड हो गया, लैंडस्लाइड हो गई, काफी देखने को मिलती रहती है। इंडिया हैज ऑल्सो रिकॉर्डेड द हाइस्ट नंबर ऑफ फैटेलिटीज ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज एंड द सेकेंड हाइएस्ट मॉनिटरी लॉस, सबसे ज्यादा लॉस जो हुआ है मॉनिटरी बेसिस में वो इंडिया को ही इम्पैक्ट हुआ है 2018 के अंदर। तो 2018 में सबसे ज्यादा जो इकोनॉमिक लॉस हुआ है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज तो वो इंडिया को हुआ है। तो ये आप पुट कर सकते हैं आंसर राइटिंग में, जो डेटा है वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से। कुछ डायमेंशन देखते हैं, जैसे कि राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है तो उसकी बात करते हैं हम। ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि एवरेज टेम्परेचर जो है राइज हुआ है अराउंड 0.7 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग 1991 to 2018। कॉजेस क्या बताए जा रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉजेस हैं वो है वो ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से इतनी तेजी से हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। As compared to 1976 to 2005 period, अगर हम कंपेयर करते हैं 21st सेंचुरी के एंड में जो हमने प्रोजेक्ट किया है अगर, तो वो बताया जा रहा है कि approximately 4.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है राइज हो सकता है, मतलब लगभग 80 साल बाद 80 years के एंड में अगर आप बात करते हैं तो फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। 4.4 डिग्री सेल्सियस एवरेज अगर इंक्रीज होता है दैट मीन्स ये बहुत ही क्रिटिकल सी सिचुएशन है। और हमारे इंडिया के अंदर समर हीट वेव जो है ओवर इंडिया जो है 3 से 4 गुना तेजी से बढ़ सकती है, हायर हो सकती है, ये याद रखना है आपको। चेंज इन रेनफॉल पैटर्न, अब हम देख बात करेंगे कि रेनफॉल के पैटर्न के अंदर क्लाइमेट चेंज की वजह से रेनफॉल में क्या इफेक्ट आया है,
बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए क्लाइमेट चेंज हुआ तो ऐसा नहीं कि सिर्फ टेम्परेचर की बात करेंगे हम, क्लाइमेट चेंज भी इफेक्ट होता है, ड्रॉट इफेक्ट होता है, बहुत सारी चीजें इस तरीके से इफेक्ट होती हैं, उन सभी की बात हम धीरे धीरे करेंगे। समर मॉनसून रेनफॉल हैज डिक्लाइन बाय 6%, तो समर का मॉनसून है वो रेनफॉल है वो 6% डिक्लाइन हुआ है, याद रखिएगा 6% ओवर द इंडिया बिटवीन 1951 टू 2015। ये डेटा इनके बीच में 1951 से 2015 से अगर हम कंपेयर करते हैं तो 6% जो रेनफॉल है वो डिक्रीज हुई है, स्पेशली डेंसली पॉपुलेटेड इंडो गैंगेटिक प्लेन के अंदर और वेस्टर्न घाट के अंदर ये चीज देखा गया। तो रेनफॉल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो याद रखना रेनफॉल डिक्रीज हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, रेनफॉल डिक्रीज हो रही, जिसकी वजह से क्या हो रहा है सर, जो हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस जो है इमिट हो रही हैं और बढ़ रही हैं, क्योंकि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेनफॉल डिक्रीज होगी तो टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। अर्बनाइजेशन इसका बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा जो रीजन है वो क्या है, अर्बनाइजेशन, लैंड कवर को क्या किया जा रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, हर जगह बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं और जो पेड़ पौधे हैं, डिफोरेस्टेशन बहुत तेजी से देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा रीजन है। क्लियर, ड्रॉट की बात करता हूं, सूखा जो कहता है ना, ड्रॉट हो रहा है, सूखा पड़ गया, तो अगर मैं उसकी बात करता हूं तो ये भी बहुत तेजी से इंपैक्ट इसका पड़ा है। द एरिया अफेक्टेड बाय ड्रॉट आल्सो इंक्रीज बाय 1.3% पर डिकेड, हर 10 साल के अंदर जो है 1.3% जो एरिया जो है बढ़ रहा है ड्रॉट का, हर डिकेड के अंदर, याद रखिएगा 10 ईयर्स के अंदर, डिकेड के अंदर, ड्यूरिंग 1915 टू 2016। तो एरिया अगर मैं बात करता हूं तो साउथ वेस्ट कोस्ट हो गया हमारा, जो साउथ वेस्ट कोस्ट मतलब एक तरीके से आप कह लीजिए गुजरात और इस तरीके से ये वाला रीजन, साउथ वेस्ट कोस्ट ये वाला रीजन इंडिया का, तो ये बहुत तेजी से इंपैक्ट हो रहा है, ये वाला आप नॉर्थ वेस्ट भी कह सकते हैं, तो ये बहुत तेजी से इंपैक्ट पड़ रहा है इसके अंदर, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो यहाँ पे हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पे भी बहुत तेजी से इंपैक्ट देखने को इसका मिल रहा है। कॉजेस हमने बात किया, ओवरऑल डिक्रीज इन सीजनल समर मॉनसून जो है डिक्रीज हो रहा है, जिसकी अभी हमने ऊपर जो देखा, जिसकी वजह से बहुत तेजी से जो है ये चीज बढ़ रहा है, ड्रॉट मतलब सूखे की संभावना बहुत तेजी से बढ़ रही, कई जगह पे बहुत ज्यादा पानी गिरता है और फ्लड आ जाता है, बट कई जगह पे ऐसा हो रहा है कि पानी बिल्कुल नहीं गिर रहा और सूखा हो रहा है, तो ये सारे इंपैक्ट किसकी वजह से हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से। फ्रीक्वेंसीज की इंक्रीज हो रही है, ग्रेटर देन 2 इवेंट पर डिकेड्स, इंटेंसिटी एरिया जो है बहुत तेजी से वो बढ़ रहा है। सी लेवल राइज की अगर मैं बात करता हूं, सी लेवल राइज इन नॉर्थ इंडियन ओशन, NIO, नॉर्थ इंडियन ओशन के अंदर जो सी लेवल राइज है वो एज कंपेयर टू नॉर्मल हमारे ओशन क्या वो बहुत ज्यादा है, क्या आप देखिए बता रहा है 1.06 टू 1.75 mm पर ईयर जो है 1874 से 2004 तक का डेटा है, और 3.3 mm पर ईयर जो है 1993 से 2017 के बीच में कंपेयर किया गया, तो करंट रेट जो ग्लोबल सी लेवल है वो राइज हो रहा है बहुत तेजी से 3.3 mm से। यहाँ पे आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो हमारा SST है, सी सरफेस टेम्परेचर कर रहा हूँ, सी सरफेस टेम्परेचर जो हमारे इंडियन ओशन रीजन के तहत है, इंडियन ओशन रीजन के पास है, वहां पे 1 डिग्री सेल्सियस ऑन द एवरेज है ड्यूरिंग 1915 से 2015 के बीच में, जबकि ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर की अगर मैं बात करता हूँ, सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो 0.7 डिग्री सेल्सियस है, तो इंडिया में यहाँ पे आज बढ़ रहा है इंडियन ओशन रीजन के पास का, जबकि वर्ल्ड के जो है रीजन वो घट रहा है, वो कम है, मतलब घट नहीं रहा है वो कम है 0.7 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हुआ पॉइंट आपको, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। कॉजेस आपको पता है, थर्मल एक्सपेंशन, ओशन वाटर जो है रिस्पॉन्स करता है ग्लोबल वार्मिंग को, अगर हीट ज्यादा बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड होगा तो वो आगे बढ़ के आएगा, लेवल भी राइज होगा, तो सी लेवल जो है राइज में राइज बाय 300 mm रिलेटिव टू एवरेज बाय 1986 एंड 2005। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो सी लेवल जो राइज है वो 200-300 mm तक राइज हो चुका है, प्रोजेक्टेड है हमारा। क्लियर, ट्रॉपिकल साइक्लोन स्टॉर्म की बात करता हूं, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो स्टॉर्म है, जैसे कभी मैंने बताया कि सी सरफेस टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ेगा, ये सी हो गया, यहाँ पे सरफेस टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ेगा, अगर सरफेस का टेम्परेचर बढ़ता है तो फेवरेबल कंडीशन बढ़ जाती है साइक्लोन आने की, साइक्लोन की आने की फेवरेबल कंडीशन बहुत तेजी से बढ़ जाती है, तो एक डिकेड्स के अंदर जो है जो साइक्लोन, जैसे अगर 5 आते थे तो 5 की जगह अब वो 6 हो चुके हैं, या पहले 6 आते थे तो 6 की जगह क्या हो गए, 7 हो गए, इस तेजी से ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जो स्ट्रॉम है वो तेजी से बढ़ रहा है। हिमालयन क्रायोस्फीयर की अगर मैं बात करता हूं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे हम क्रायोस्फीयर क्या है वो भी डिस्कस करेंगे।
हिंदू कुश हिमालयन, एच के नाम से जाना जाता है हिंदू कुश हिमालयन, इसे हम थर्ड पोल भी कहते हैं, परमानेंट आइस कवर आउटसाइड द नॉर्थ और साउथ पोल, जो हमारा ये अर्थ हो गई, इधर पे नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, यहाँ पे बर्फ जमी रहती है, आप सभी लोगों को पता है, लेकिन इसके अलावा जो हमारा हिमालयन के अंदर जमा है इसको हम थर्ड पोल भी कहते हैं। क्लियर वो पॉइंट? तो कंफ्यूजन के लिए, आपको ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट होगी थर्ड पोल क्या है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो यहाँ पे भी बहुत तेजी से प्रॉब्लम निकल के सामने आ रही है कि प्रोजेक्टेड हुआ, बहुत तेजी से एलिवेशन देखने को मिल रहा है कि पिघल पिघल के हर एक जगह मेल्ट होके तेजी से बढ़ रही है, तो ये आगे फ्यूचर में हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। वैसे मैंने इसके इंट्रोडक्शन क्या लिखना है, बॉडी कैसे लिखनी है, कंक्लूजन क्या क्या रखना है, सारी चीजों को यहाँ पे पुट अप किया हुआ है, तो आप एक बार जरूर देखिए इस क्वेश्चन को। व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ चेंजिंग क्लाइमेट ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इंडियन रीजन, एलोबरेट अपॉन द की एक्शन टेकन बाय इंडियन टूवर्ड्स कॉम्बैटिंग एंड अडेप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज। तो कौन कौन से ऐसे इंप्लीकेशन है, क्या चेंजेस है क्लाइमेट ऑन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इंडियन रीजन, अलग अलग इंडियन रीजन के अंदर आपको बताना है। तो अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन में आप मैप बना सकते हैं, एक मैप बना दीजिए फटाफट, एक मैप अपने इंडिया का बना दीजिए, उसमें क्लाइमेटिक रीजन में आप डिवाइड कर दीजिए कि इस एरिया में इस तरीके से क्लाइमेटिक रीजन है तो ये इम्पैक्ट हो रहा है, इस एरिया हिमालयन रीजन में ये है, और ये हमारे नॉर्थन साउथर्न स्टेट में इस तरीके से है, तो आप अलग अलग यहाँ पे डायग्राम बना के भी इस क्वेश्चन को समझा सकते हैं। देखिए अब जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखने जाए तो इंट्रोडक्शन हमेशा याद रखिएगा ऐसा लिखना है, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है जब भी आप इंट्रोडक्शन कभी भी लिख रहे हो, दैट मीन्स आपको ये बताना है कि पूरे क्वेश्चन का सारांश क्या है, पूरे क्वेश्चन का आप एक इमेज दे देते हैं हल्की सी, वो होता है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के अंदर जैसे आपने लिख लिया इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विद मेनी क्लाइमेटिक जोन, बहुत सारे क्लाइमेटिक जोन है, आप बता दीजिए रीजनल क्लाइमेटिक जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंट्रक्शन से बना हुआ, जैसे कि ओशन हो पास में, लैंड है, क्रायोस्फीयर सिस्टम है, तो अभी क्रायोस्फीयर क्या सिस्टम है उसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो बिल्कुल घबराना नहीं आपको, ठीक है। डिफरेंट स्पेस टाइम स्केल्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बता देनी कि क्या इंडिया की कंडीशन है, ज्योग्राफिकल कंडीशन, तो आपने वो बता दी। देन बॉडी के अंदर आप क्या बताएंगे, बॉडी के अंदर आप बताएंगे इसके इंप्लीकेशन क्या है क्लाइमेट चेंज की वजह से, इंडिया रीजन के अंदर क्या क्या इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, किस तरीके से फूड सिक्योरिटी इफेक्ट हो रही है, आगे हम डिस्कस करेंगे फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर सिस्टम किस तरीके से इंपैक्ट कर रहा है, वाटर सिक्योरिटी के ऊपर क्या प्रॉब्लम आ रही है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ये आपको बताना है। क्लियर? कोस्टल इकोसिस्टम के अंदर क्या प्रॉब्लम्स निकल के आ रही है उनके, कुछ कुछ एक एक दो दो पॉइंट्स अगर आप इनके डालते जाएंगे तो बहुत सारे एस्पेक्ट आ जाएंगे, जितने ज्यादा बॉडी के अंदर आप डिफरेंट एस्पेक्ट डालेंगे उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा। इसके अंदर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ह्यूमन हेल्थ के अंदर क्या इफेक्ट पड़ता है, सोशल इश्यू का हमारे क्या बदल रहे हैं, कैस्केडिंग और क्लाइमेटिक हजार्ड्स की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि इंटरनल डिस्प्लेसमेंट काफी ज्यादा देखने को मिला है, एक रिपोर्ट आई थी, इस तरीके से आप रिपोर्ट को मेंशन कर सकते हैं, आगे मैं आपको रिपोर्ट्स का नाम भी बताऊंगा और क्या इंटरनल डिस्प्लेसमेंट उसका डेटा भी दूंगा, तो सारे इंपॉर्टेंट डेटा को आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कहीं भी यहाँ वहां भागने की जरूरत नहीं है, सारी इंपॉर्टेंट चीजें सारे इंपॉर्टेंट डेटा कलेक्शन करके आपके लिए लेके आया गया है यहाँ पे और आपको दिया जाएगा। डिस्कस द की एक्शन, यहाँ पे आपकी एक्शन को बताइए, इंडिया क्या क्या लेने वाला है, किस तरीके से करेगा, वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि क्या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हमारे क्या प्रोग्राम से हमने कौन कौन से हमने कितना टारगेट को अचीव कर लिया है और अभी कितना बाकी, हमें और क्या करना पड़ेगा जिससे हम उस क्लाइमेट चेंज की उस टारगेट को अचीव कर पाए। कंक्लूजन में आप कंक्लूड कर लीजिए सिंपली, टेक किस तरीके से हम इसको सक्सेसफुली टैकल करेंगे इंडिया के टर्म्स में और क्या क्या कॉम्प्लेक्स हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स निकल के आ रही है और हमें इसको बताना है, ये लोकल लेवल पे हमको इसको डील करना है, देन एज वेल एज सेल्फ ग्लोबल लेवल। देखिए क्लाइमेट चेंज क्या है, ऐसा ग्लोबल फिनोमिना है, ऐसा तो है नहीं कि इंडिया के अंदर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसका इंपैक्ट जो है इंडिया खूब बहुत तेजी से ग्रीन हाउस गैसेस निकालने पे तुला हुआ है तो उसका इंपैक्ट जो है पाकिस्तान पे नहीं पड़ेगा या चाइना पे नहीं पड़ेगा, या फिर चाइना बहुत तेजी से CO2 रिलीज कर रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज कर रहा है तो इसका इंपैक्ट इंडिया पे नहीं पड़ेगा, उसका इंपैक्ट जो होगा पूरी पृथ्वी पे पूरे अर्थ में देखने को मिलेगा ओवरऑल, इसलिए एक ग्लोबल फिनोमिना है तो रीजनल इंटीग्रेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ग्लोबल इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, लोकल लेवल पे इंटीग्रेशन जरूरी हो जाता है, तो लोकल लेवल से लेकर एक हायर लेवल तक ग्लोबल लेवल पे हम किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे आप
कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। इस तरीके से अगर आप आंसर लिखेंगे डेफिनेटली आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और हमें टेलीग्राम में भेज सकते हैं या फिर studytime717@gmail.com में भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने ईमेल एड्रेस और वेबसाइट भी दे रखी है। इम्प्लीकेशन ऑफ इंक्रीजिंग रीजनल क्लाइमेट चेंज, अब हम देखेंगे इसके क्या क्या इम्प्लीकेशन है। अगर ये इंक्रीज होता है, क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से बढ़ता है, टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है, सी लेवल राइज होता है और रेनफॉल अच्छे से नहीं हो पाए, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? फूड सिक्योरिटी पे डायरेक्ट, जैसा कि अभी क्वेश्चन का ही उठा के मैंने बताया कि फूड सिक्योरिटी के ऊपर किस तरीके से इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ, एक्सट्रीम हीट बढ़ेगी, हीट तेज बढ़ेगी, फ्लड बढ़ेगा, ड्रॉट बढ़ेगा, सूखा पड़ेगा, रेनफॉल बिल्कुल डिस्टर्ब रहेगा, जब वर्षा होनी चाहिए जब तेजी से पानी गिरना चाहिए उस तरीके से पानी गिरेगा नहीं, कभी बहुत तेजी से पानी गिर देगा और पूरी फसल बेकार कर देगा, तो फूड सिक्योरिटी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट दे सकता है। अब देखिए ये एक डेटा अगर आप पुट कर सकते हैं, जनरल पॉइंट तो कोई भी लिख लेता है, लेकिन अगर आप डेटा के साथ पॉइंट को लिखते हैं तो बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। नीति आयोग का डॉक्यूमेंट अगर आप पुट कर देते हैं कि अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग डॉक्यूमेंट्स टोटल पल्सेस ऑयल सीड्स हो गई, कॉटन हो गया, जो प्रोड्यूस होता है इंडिया के अंदर 80% जो पल्सेस है, 73% ऑयल सीड एंड 68% आर एंड कॉटन कम फ्रॉम रेंट फेड एग्रीकल्चर। मतलब ये सारी चीजें जो है 80% पल्सेस, 73% ऑयल सीड, 68% कॉटन जो है, जो पैदा होता है, जो ग्रो होता है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो रेनफॉल पे डिपेंड करता है। अगर अच्छी रेनफॉल हो गई है, समय पे वर्षा अच्छे से हो गई है, क्लाइमेट आ गया है, तो वो ये अच्छा हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ है तो ये बेकार हो सकता है। तो सोचिए हमारी फूड सिक्योरिटी कितने किस लेवल पे इस पे डिपेंड करती है। देन बात करते हैं वाटर सिक्योरिटी की, तो जैसा कि जानते हैं वाटर सिक्योरिटी, ड्रॉट और फ्लड दो चीजें हैं, या तो बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा, बिल्कुल सूखा पड़ गया, खेती नहीं हो पा रही है, बिल्कुल कहीं कुछ हो ही नहीं पा रहा है, तो वो देखने को बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, ग्राउंड वाटर जो सरफेस से रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, या फ्लड बहुत तेजी से हो गया, पानी पानी चारों तरफ आ गया, पानी जो है सिंक करने की जगह ही नहीं है, पानी जो है जमीन के अंदर जा ही नहीं पा रहा है, हर एक जगह हमने अर्बनाइजेशन इतना ज्यादा कर दिया, रोड बनी हुई है बहुत ज्यादा, तो हमें एक ऐसा क्या सॉल्यूशन, क्या आगे हम सॉल्यूशन की भी बात करेंगे, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, लास्ट तक देखना है और बार बार रिवाइज करना है, तभी आप इसका फायदा उठा पाएंगे। राइजिंग सी लेवल लेड टू इंट्रूजन ऑफ सॉल्ट वाटर कोस्टल एक्वीफायर, जो है सॉल्ट वाटर जो है ग्राउंड वाटर से मिल रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जा रही है, जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है वो बहुत तेजी से कम हो रहा है, वो कहाँ कहाँ एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, गुजरात, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, यहाँ पे ये देखने को मिला है कि वहां पे जो एक तरीके से ग्राउंड वाटर है वो भी एक सॉल्टी सा मिलता है, निकल के आता है, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। क्लियर हुआ पॉइंट? आगे चलते हैं, एनर्जी डिमांड की बात करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, तो गर्मी बढ़ेगी तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग पंखा चालू करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एसी चालू करेंगे, एसी चालू करेंगे और गर्मी बढ़ेगी, और एसी चालू करेंगे, बाहर का टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, तो एनर्जी की डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी डे बाय डे। तो इसलिए ये चीज बताई जा रही है कि एनर्जी की जो डिमांड है डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपको आपको तो बॉडी टेम्परेचर में रहना है, लेकिन अगर ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो एनर्जी की डिमांड भी बढ़ती जाएगी, इसलिए हमें इसको कम करना है। आगे इसके सॉल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे। ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? अगर बहुत तेजी से टेम्परेचर बढ़ेगा, वेदर जो है, जैसे बोलते हैं ना एक सिंपल सी चीज कि यार मौसम बदल रहा है, और मौसम बदलने की वजह से एकदम से मौसम बदल गया और ठंडी में बहुत तेजी से गर्मी का एहसास हो गया, या गर्मी एकदम से आ गई, कभी कभी एकदम से गर्मी के मौसम में ठंडी है, कभी भी बरसात हो गई, कुछ भी, तो उसकी वजह से देखने को मिलता होगा बहुत ज्यादा मौसम बदलने की वजह से आपको प्रॉब्लम जा रही है, सर्दी, खांसी, जुकाम, इस तरीके से छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। लेकिन इसका बहुत बड़े लेवल पे भी इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसीज देखने को मिलता है, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस देखने को मिलते हैं, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर देखने को मिलता है, तो वेक्टर बोर्न डिसीजेस, मलेरिया, डेंगू फीवर, ये सारे क्या हैं? ये सारे ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट है, क्लाइमेट का इंपैक्ट है एक तरीके से, जब क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती है तेजी से, उसका इंपैक्ट देखने को मिलता है ह्यूमन हेल्थ के अंदर। क्लियर हो गया पॉइंट? रिड्यूस जो न्यूट्रिशनल इंटेक है वो आपका कम हो जाएगा, पर्टिकुलर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है ज्यादा इससे इंपैक्ट होता है, तो ये चीज आप लिख सकते हैं।
बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, स्पीसीज स्पेशली अडेप्टेड टू नैरो एनवायरमेंट कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन लाइकली टू बी अफेक्ट द मोस्ट, ऐसे स्पीसीज जैसे कि जो पोलार रीजन के अंदर रहती हैं, जो पर्टिकुलर किसी टेम्परेचर में वो रहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं रहते, उनको ठंडा चाहिए या इस तरीके से वो उनको क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, अगर गर्मी बढ़ेगी तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जैसे पोलर बियर वगैरह हो गए या फिर पेंगुलिन हो गए। तो ये सारे क्या है, ये क्लाइमेट से बहुत तेज से अफेक्ट होते हैं, उनको ठंडा चाहिए, उनकी बॉडी को टेम्परेचर जो है ठंडा चाहिए, थोड़ा सा अब ठंडा चाहिए, लेकिन ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और क्या हो सकता है, कोरल रीफ अगर टेम्परेचर बढ़ा, थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ा तो ओशन के अंदर जो कोरल रीफ है 30% इंडियन ओशन के अंदर, इंडियन ओशन इज होम ऑफ 30% ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ, हमारा जो इंडियन ओशन है वो क्या है 30% है कोरल रीफ का। तो ये पूरा बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट हो सकता है, और 13% ऑफ द ग्लोबल वाइल्ड कैचेस फिशरीज ये इम्पैक्ट हो सकती है। तो इस सारे पॉइंट्स आपको लिखना है, हर एक बायोडाइवर्सिटी बता दिया, इकोनॉमी बता दिया, वाटर बता दिया, फूड सिक्योरिटी बता दिया, ह्यूमन हेल्थ बता दिया, इस तरीके से सारी चीजें अगर आप बता देंगे डेफिनेटली आंसर में आपको नंबर मिलना ही है। मेरीन हीट वेव देखने को मिल सकती है तेजी से, ठीक है। तो जनरल सी जो चीजें हैं वो मैंने आप लोगों से डिस्कस की है ना। इकोनॉमी की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन ILO के द्वारा यहाँ पे बताया गया कि लॉस इन प्रोडक्टिविटी, लोगों की जो प्रोडक्टिविटी है बहुत ज्यादा लॉस हुई है बाय 2030 बिकॉज ऑफ हीट स्ट्रेस। अगर हीट बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी तो आप देखते होंगे कि अगर बहुत ज्यादा गर्मी तो आप काम भी अच्छे से नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से क्या होगा, जॉब लॉस होने की संभावना, इक्विवेलेंट टू लूजिंग 34 मिलियन फुल टाइम जॉब हो सकती है, यहाँ पे लॉस हो सकती है सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, क्लाइमेट इंपैक्ट की वजह से। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने यहां तक ये बताया है कि डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन, ड्रॉट, ये जो है बहुत बड़े रीजन है कॉस्ट ऑफ इंडिया, जो कॉस्ट करते हैं 2.5% ऑफ ग्लोबल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी का इन 2014-15 में ये डेटा निकल के आया था, इसको आप लिख सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, जरूर से याद कर लीजिएगा, आप इसका प्रिंट भी निकाल के इसको आप फटाफट पढ़ते रहिएगा अपना। सोशल इश्यू की अगर मैं बात करता हूँ, लार्ज स्केल माइग्रेशन देखने को मिल रहा है, इंटरनल माइग्रेशन आप लोगों ने रिपोर्ट पढ़ी होगी, और वो बहुत तेजी से देखने को मिल रहा है इंटरनल माइग्रेशन, कहीं पे भी क्लाइमेटिक डिजास्टर आ गया, ड्रॉट आ गया, साइक्लोन आ गया, फ्लड आ गया, और भी रिपीटेड वे में हो रहा है, क्रॉप फेल्यूर जो हो गया, बर्डन पड़ रहा है किसानों के ऊपर, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड करने पे तुले हुए बहुत तेज से, वो बेचारे क्या करें। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है सामने निकल के आ रही थी, इसका कहीं ना कहीं कारण एक क्लाइमेट चेंज है। देखिए ऑन ओशन की बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओशन के अंदर क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट होता है। इस तरीके से आप हमने आपको बताया किस तरीके से आपको चार्ट बना के सारी चीजों को लिखना है, किस तरीके आप इस तरीके से ग्राफ बना सकते हैं, एक छोटा सा ग्राफ बनाइए हीट वेरिएशन इन एमएम, और नीचे ये लिख दीजिए किस तरीके से इंपैक्ट पड़ रहा है। इसका इंपैक्ट पड़ेगा जब भी जो चेकर होगा, जब वो चेक करेगा कि देखेगा कि हाँ इस बंदे को नॉलेज तो है, साथ में प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रेजेंटेशन एक क्वालिटी वाला रखें। जब भी अगर आप क्वालिटी वाला प्रेजेंटेशन है तो आपको नंबर मिलेगा ही, क्योंकि नॉलेज सबका सेम रहता है, लगभग सबका सेम नॉलेज रहता है, प्रेजेंटेशन जो है इंपैक्ट करता है कि आप सिलेक्शन लेंगे या नहीं। कॉज ऑफ द सी लेवल राइज, क्या कारण है सी लेवल राइज का, देखेंगे थर्मल एक्सपेंशन, यहां पे आप देख पा रहे होंगे 1995, यहां पे 1995 से 2020 तक के डेटा को कंपेयर किया गया है, 3.3 mm जो है पर ईयर जो है रेट है इसका, रेट ऑफ चेंज जो है 3.3 mm पर ईयर के हिसाब से ये इंक्रीज हो रहा है। तो ये किस तरीके से सी लेवल राइज हो रहा है ये हमने बताया आपको, थर्मल एक्सपेंशन इसका है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी चीज का अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है एक्सपेंड होता है, एक्सपेंड होगा तो वार्म होगा तो एक्सपेंड होगा तो बहुत तेजी से स्पेस को घेरेगा, क्लियर। मेल्टिंग ग्लेशियर, ग्लेशियर जो होगा मेल्ट हो रहा है, बड़े बड़े जो बर्फ के फॉर्म में जमे हुए थे वो मेल्ट हो रहे हैं, और जब वो मेल्ट होंगे तो क्या होंगे, वो ओशन में आएंगे, ओशन में आएंगे तो उनका वॉल्यूम बढ़ेगा जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और वो सी लेवल राइज होगा। लॉस ऑफ ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिक आइस शीट, मेल्ट वाटर फ्रॉम अबव एंड सी वाटर फ्रॉम बिलो। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है, जो वाटर है ऊपर की तरफ, शीट आइस शीट कह लीजिए, आइस शीट है वो ऊपर से मेल्ट हो रही है,
क्लियर। और ओशन के अंदर देखिए, ओशन है, ये ओशन हो गया सपोज, ओशन के अंदर कहीं पे बीच में कुछ चीजें ऐसे जमी हुई है बर्फ की, जैसे अगर कहीं पे बहुत ज्यादा ठंडा है तो नीचे से पिघल रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, उनका टेम्परेचर बढ़ा, इससे ये क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, इसका जो लेवल है वो बढ़ रहा है। ये सारी चीजें हैं। चेंज इन नेट स्टोरेज और टेरिस्ट्रियल फ्रेश वाटर, जो नेट स्टोरेज है ग्राउंड वाटर हो गया, रिवर रिस्ट्रिक्शन वो तेजी से बढ़ रहा है। ग्राउंड वाटर से आप पानी निकाल निकाल के पूरा खत्म कर दी और वो बाहर फेंक रहे हैं, आप उसका यूज ढंग से नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वो बढ़ रहा है। इवेपोरेशन हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है, वो सारा पानी जो होगा यहाँ वहां गिर रहा है, अच्छे से रेनफॉल हो भी नहीं पा रहा है। क्लियर। अब देखिए, ये जो अभी हमने डिस्कस किया आप इसको पिक्चर की मदद से यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए आप बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा, यहां तक पहले वाटर था, अब ये वाटर यहाँ पे बढ़ के किस तरीके से आगे तक आ गया, ये जो है घर ये यहाँ पे छोटा सा डूब गया। क्लियर। तो यहाँ पे ये एक डेटा दिया हुआ है, इस तरीके से आप चीजों को बना सकते हैं। मीन्स अनसर्टेनिटी के अंदर 42% जो है लैंड आइस मेल्ट की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, लैंड की वजह से और वाटर्स की वजह से 12%, ओशन वार्मिंग की वजह से 35%। कोसेस बता दिए हमने क्या क्या रीजन है यहाँ पे, थर्मल एक्सपेंसर, ग्लेशियर ऑफ आइस सीट, एक्सचेंज ऑफ वाटर, कंटिनेंटल रिजर्वायर, ग्राउंड वाटर की जो पंपिंग हो रही है, नीचे से आप पानी एक्सट्रैक्ट करके उसको बाहर फेंके जा रहे हैं, बाहर यूज हो रहा है एग्रीकल्चर वगैरह में, तो वाटर कहाँ जा रहा है, वो उड़ रहा है, इवेपरेट हो रहा है और डायरेक्टली जो है ओशन में जा रहा है। सिंपल चीज है, अगर देखिए पानी को अगर आप एक्सपेंड करते हैं, गर्म करते हैं, देखिए इसको हीट किया 70 डिग्री सेल्सियस में है, फिर इसको हीट किया 140 में, फिर इसको और हीट किया, तो वो क्या होगा, वो बाहर निकल के आएगा। तो पानी वही है, जितना ज्यादा आप हीट करेंगे उतना ज्यादा वो एक्सपेंड होगा, तो जनरल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। देखिए आप यहाँ पे देखिए पोलर बियर वगैरह बेचारे, ये देखिए कितना परेशान हो चुके हैं, अब इनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, इनके पास इतनी जगह बची वो खाने के लिए कहाँ जाएंगे, कहाँ क्या करेंगे, तो अब ये थोड़े दिन में ये फिर यहाँ से खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, इनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी क्योंकि चारों तरफ पानी पानी हो चुका है और ये इनका ये पिघल रहा है। तो एक बहुत ही चिंताजनक बात है। यहां से आप देख सकते हैं, अच्छे समझ सकते हैं कि पहले जो 2010 में जो था ये एरिया था 1880 फ्लड प्लेन, यहां तक आता था, देन 2010 तक यहां तक आ रहा है, देन 2015 तक ये जो अपने नॉर्मल घर बने हुए हैं कोस्टलाइन के पास वो इंपैक्ट हो सकते हैं, 2050 तक यहां तक पहुंच सकता है, देन एट द एंड ऑफ दिस सेंचुरी अगर आप बात करते हैं तो वो आप जहां पे आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और सिटीज पहुंच रही हैं वहां तक स्ट्रॉम पहुंच सकता है, मतलब एक तरीके से हाई टाइड आई या थोड़ा सा भी उछाल आया तो वो यहां तक पहुंच सकता है। तो ये सारी चीजें थी जो हमने डिस्कस की इसके अंदर। अब हम देखेंगे इंपैक्ट्स ऑफ सी लेवल राइज, क्या इंपैक्ट पड़ता है सी लेवल जो होता है राइज होता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं इंपैक्ट अभी हमने हालांकि ऊपर देखा भी किस तरीके से ये इंपैक्ट पड़ा, सी लेवल राइज होगा तो किस तरीके से सारी चीजें डूबती जाएंगी और फिर हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं पड़ जाएगा। लेकिन कुछ जो डेटा है समझने से ज्यादा आज अभी इंपॉर्टेंट है कि आप डेटा को एक्सट्रैक्ट करिए, उसको नोट्स बना लीजिए, बार बार रिवाइज करिए, जब भी आंसर आए फटाफट डेटा को पुट कर दीजिए। अगर आप डेटा पुट करेंगे, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है डेटा के साथ, डेफिनेटली सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता आपका। कोस्टल फ्लडिंग की बात करते हैं, 0.5 to 0.7% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया इज एट द रिस्क ऑफ द एपिस्टोडिक कोस्टल फ्लडिंग बाय 21,000 इंपैक्टिंग अप टू 4% ऑफ द पॉपुलेशन। तो याद रखिएगा वर्ल्ड की टोटल 4% पॉपुलेशन को इंपैक्ट करेगा। यहां पे बात की जा रही है लॉस ऑफ हैबिटेट, जो है 3 बिलियन पीपल जो है यहाँ पे अपना हैबिटेट, अपना जो घर है वो गवा सकते हैं इसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। सी लेवल राइज होगा और उनके घरों तक पानी पहुंच जाएगा तो अपनों को अपना घर छोड़ना पड़ेगा। 2 किलोमीटर ऑफ तक जो कोस्ट एरिया है, इस तरीके से आप मैप बना सकते हैं, फटाफट इस तरीके से आप मैप बनाइए और ये देखिए ये मैप बन गया। जनरल ऐसा नहीं बिल्कुल बॉल को सजाना है आपको, जनरल से मैप बनाइए और इसके अंदर आप बता दीजिए कि इस एरिए में ये इम्पैक्टेड एरिया है और कुछ सालों बाद यहाँ पे बहुत बड़ी तरीके से इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। जो लोगों की रोजी रोटी है और लोग जो हाउस होल्ड यहाँ पे रह रहे हैं वो बहुत तेजी से यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकते हैं और डेटा आप पुट कर सकते हैं कि 3 बिलियन पीपल जो है यहाँ पे देखने को मिल सकता है उनकी लाइफ में प्रॉब्लम। एग्रीकल्चर है, अब देखिए एग्रीकल्चर क्यों, क्या हो रहा है कि SLR जो है, अगर मैं बात करता हूँ SLR विल अफेक्ट द एग्री सी लेवल जो राइज है वो अफेक्ट करेगा
एग्रीकल्चर को मेनली थ्रू लेट सबमर्ज सॉइल एंड फ्रेश ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज सेलिनेशन। जैसे कि अभी हमने बात किया था, एग्जाम्पल भी दिया था मैंने आप लोगों को गुजरात के अंदर लक्षद्वीप के अंदर, वहां जनरली देखने को मिल रहा है कि जो ग्राउंड वाटर है वो सॉल्टी आ रहा है। तो जो सॉल्टी ग्राउंड वाटर अगर आप सॉल्टी वाटर से अगर आप एक तरीके से सिंचाई वगैरह करेंगे तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और फिर पैदावार अच्छे से नहीं हो पाएगी और लैंड जो हो जाएगा डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, लैंड डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, परमानेंट कोस्टल इरोजन देखने को मिल जाएगा। जो कोस्टल में जो लोग खेती वगैरह कर रहे हैं उसके आसपास, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से उनकी लाइवलीहुड, उनकी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फूड। कोस्टल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर की अगर मैं बात करता हूँ, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा जो लोग फिशरीज वगैरह में वहां पे लगे हुए हैं, अगर वो पानी एकदम से तेजी से आ गया तो वो अंदर तक फिर वो नहीं जा पाएंगे, तो जिसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। कोरल रीफ का डिग्रेडेशन होगा जिसकी वजह से बहुत सारी मछलियां वहां पे मर सकती हैं और वाटर की जो क्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। डेल्टास वगैरह में, एस्टुरीज में एनवायरमेंट बहुत, सॉइल एलिनेशन, ये सारी पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। इम्पैक्ट ऑन सॉइल स्मॉल आइसलैंड के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट मिलेगा, यहाँ पे हाई कोस्टलाइन टू लैंड एरिया रेशियो उनका बहुत ज्यादा है, मतलब जितना उनका टोटल एरिया है और जितना कोस्टलाइन का एरिया है वो बहुत ज्यादा है, रेशियो अगर आप लेते हैं तो वो ज्यादा निकल के आता है, मतलब उनका कोस्टलाइन जो एरिया है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से उनके जो ह्यूमन सेटलमेंट है, एग्रीकल्चर लैंड है, वो इम्पैक्ट पड़ेगा बहुत तेजी से। तो ये सिर्फ पॉइंट्स है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो आपको आंसर राइटिंग में लिखना है। स्ट्रॉम सर्ज जो है, डेंजरस साइक्लोन वगैरह की कंडीशन जो है बहुत तेजी से बढ़ जाएगी और आना स्टार्ट हो जाएगा और अंदर तक आना स्टार्ट हो जाएगा। मैरीटाइम डिस्प्यूट निकलेगा, जैसे अगर मैं बात करता हूँ ये इंडिया का रीजन है और इंडिया का मैरीटाइम जो है यहाँ तक हुआ है कि हम यहाँ तक अपना काम कर सकते हैं इस एरिया के अंदर, लेकिन अगर ये पानी जो है आगे अंदर तक आ जाता है, यहाँ तक पहुंच जाता है, तो फिर हमारा डिस्प्यूट निकल के आ जाएगा, फिर वहां पे इंटरनेशनल कन्वेंशन बनाना पड़ेगा कि ये तुम्हारा ये हमारा। सपोज ये हो गया, यहाँ पे श्रीलंका है, श्रीलंका के यहाँ भी पानी पहुंच गया, तो फिर कौन मैरीटाइम जो है वो बोलेंगे हम तो यहाँ तक है, इंडिया बोलेगा नहीं हम यहाँ तक क्लेम करेंगे, तो क्लेम जो होगा वो बढ़ जाएगा और डिस्प्यूट आगे देखने को मिल सकता है। वे फॉरवर्ड में आप क्या लिखेंगे, अभी हमने प्रॉब्लम्स की बात कर ली, जब आप कंक्लूजन दे रहे हो या सॉल्यूशन दे रहे हो, ठीक है, आंसर राइटिंग के अंदर, तो क्या लिखेंगे आप वे फॉरवर्ड के अंदर? इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट एड्रेसिंग द कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट सिचुएशन इन द कोस्टल एरिया। कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट इशू को आप एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, एक साथ मिलकर कम्युनिटी ऑनरशिप लेके आएंगे, एक साथ मिलकर आप कमिटी जो बनाते हैं, दो या दो से चार, चार पांच लोग हो गए या गांव के कुछ लोग हो गए, आप एक साथ आइए और फिर कमिटी बेसिस में आप डिसीजन लीजिए, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए अपने लेवल पे, जहां भी कोस्टल इकोसिस्टम वगैरह है वहां पे ज्यादा जरूरी हो जाता है। बैरियर टू अर्बन एरिया, अब देखिए एक बहुत अच्छा सा पॉइंट है जिसको आप लिख सकते हैं, रोटेड एग्जाम्पल के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं जरूर बोलूंगा आप लोगों से कि आप लोग जरूर इसको लिखिएगा। Has offered a model to other cities. Rotterdam एक सिटीज है, उसने एक मॉडल को ऑफर किया है जो और सिटीज के लिए, कॉम्पैक्ट फ्लडिंग एंड लैंड लॉस। Rotterdam has built barrier drainage and innovative architectural features such as water square. ये जो है वो क्या है, water square है, आप image में देख पा रहे होंगे, with temporary ponds. एक तरीके से क्या होता है, बड़ी बड़ी जो cities हैं उनके बीच में, suppose आपकी colony है, आप अपनी colony के अंदर एक pond ऐसा water square का बना लीजिए, उससे क्या होगा, बहुत तेजी से पानी हुआ गिरा, जब बहुत ऐसा लगा कि फ्लड आने की संभावना है, तो वो पानी क्या होगा, इस पॉन्ड के अंदर चला जाएगा और इसका आप कनेक्शन दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर दीजिए या आगे किसी बड़े डैम से या इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये सारा पानी जो होगा यहां पे कलेक्ट हो जाएगा और फिर अंदर निकल जाएगा, क्लियर, तो आप यहां पे फ्लड से बच सकते हैं, क्लियर हुआ, ये पॉइंट लिख सकते हैं। साथ में इसका एक और इंप्लीमेंटेशन आप लिख सकते हैं कि अगर इस तरीके से रहा तो हवा चलेगी, पेड़ पौधे अगर पास में हमने थोड़ा बहुत लगा दिए तो इससे ये होगा कि इस एरिया से जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कम रहेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, मतलब ग्लोबल जो एवरेज टेम्परेचर है वो रिड्यूस होगा, पानी ज्यादा रहेगा तो यहाँ से इवेपरेट होगा, जब इवेपरेट होगा तो ये पहुंच से घरों तक जाएगा, मतलब एक तरीके से ठंडी ठंडी हवा, जिसकी वजह से आप क्या होगा, आप एसी ज्यादा फिजूल का एसी नहीं चलाएंगे, ग्लोबल टेम्परेचर जो है नहीं बढ़ेगा, तो ये सारी चीजें आप एनर्जी को भी रिड्यूस कर सकते हैं, एनर्जी जो आप यूज है उसको रिड्यूस किया जा सकता है यहां से। तो ये बहुत अच्छा मॉडल है जो कि आपको याद रखना है, इसलिए मैंने आपको इसको डिटेल में समझाया।
Enclosure dam to protect 25 million people and important economic region of 15 northern European countries. बचाने के लिए यहाँ पर northern European enclosure dam जो है नीड जो है लेके आया गया है. मैं आपको इस डैम के बारे में अच्छे से बता देता हूँ. ये देखिए आप इमेज के अंदर यहाँ पे आप अच्छे से देख पा रहे होंगे. ये नॉर्थ सी हो गया. इस नॉर्थ सी को बंद करने की बात कर रहे हैं. यहाँ पे टोटल आजू बाजू जो है कोस्टल एरिया जो है 15 कंट्रीज हैं. अब यहाँ पे देखिए 15 कंट्रीज जो है ये रिस्क में है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है. तो इनके जो कोस्टल एरिया है वो धीरे धीरे और कम होते जा रहे हैं, आगे तक पानी पहुंचता जा रहा है. इसलिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि डैम क्रिएट किया जा रहा है. देखिए स्कॉटलैंड से लेकर नॉर्वे तक का एक 476 किलोमीटर लंबा सबसे बड़ा जो है डैम यहाँ पे बनाया जाएगा, जो कि लगभग इक्विवेलेंट होगा दिल्ली से बीकानेर. अगर आप जब दिल्ली से चलिए और बीकानेर पहुंच जाइए, इतना बड़ा डैम सोचिए अब बनाया जा रहा है. देन यहाँ पे दूसरा डैम बनाया जा रहा है, यहाँ पे 160 किलोमीटर का कुशान ग्रैंड ब्रिज. ठीक है, तो यहां पर यह चीज बनाया जा रहा है, आपको यहां रखना है. तो पूरे यहां पे अगर इसको क्लोज कर दिया जाएगा तो ये सारी चीजों को आप देख सकते हैं. ये क्लोज कर दिया जाएगा तो क्या होगा, ये जो होगा इसका टेम्परेचर ये बाहर से अलग रहेगा और फिर ये इतना ज्यादा राइज नहीं होगा और ये जो कंट्रीज आजू बाजू ये थ्रेट में नहीं आएंगी. क्लियर हो गया पॉइंट. तो ये दोनों मॉडल को आपको याद रखना है, दोनों मॉडल को आंसर में जरूर लिखना है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब हम बात करते हैं क्रायोस्फीयर की. काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से. क्रायोस्फीयर स्टैटिक टॉपिक भी है, न्यूज में भी था, इसलिए दोनों पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे. न्यूज में क्या था, स्टैटिक में क्या है, सारी चीज देखेंगे. क्रायोस्फीयर का मतलब होता है, ऐसा समझ लीजिए कि मतलब आइस. ठीक है, सिंपल से चीज है आइस. आइस मींस क्रायोस्फीयर. क्रायोस्फीयर रिफर्स टू द फ्रोजन कंपोनेंट ऑफ द अर्थ सिस्टम दैट आर एट द बिलो एंड द लैंड एंड ओशन सर्फेस. या तो ओशन सर्फेस के नीचे कोई भी चीजें जो है वो फ्रीज हो गई है, ठीक है, जम गई है फ्रोजन कंपोनेंट में है, या फिर उसके ऊपर है जैसे स्नो हो गया, ग्लेशियर हो गया, आइस शीट हो गया, आइस स्लैब्स हो गया, आइसबर्ग हो गया, सी आइस हो गया, लेक आइस, रिवर आइस, परमाफ्रोस्ट, सीजनली फ्रोजन ग्राउंड, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं. एग्जांपल आपके सामने है, फोटो आपके सामने है, फटाफट देख लीजिए. ये आइस शीट है, स्नो है, आइस शेल्फ है, आइसबर्ग है, आई सी है, सी के ऊपर ऐसे चलता है. अगर ये मेल्ट होता जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये सी का टेम्परेचर जो है ऊपर बढ़ता जाएगा, ये राइज होता जाएगा. यहाँ से लेक और रिवर से जो हो स्नो जो है अगर मेल्ट हो के नीचे आएगा तो ये क्लियर हुआ आपका पॉइंट. चलिए परमाफ्रोस्ट की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये परमाफ्रोस्ट. तो परमाफ्रोस्ट इज डिफाइंड एज अ ग्राउंड सॉइल रॉक कंटेनिंग द आइस फ्रोजन ऑर्गेनिक मटेरियल दैट रिमेंस द बिलो 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एटलीस्ट 2 कंसेक्यूटिव ईयर. लगातार 2 साल से अगर कोई ऐसी चीज है जो नीचे जो है बिल्कुल जमी हुई है बर्फ के फॉर्म में, तो उसे हम परमाफ्रोस्ट कहते हैं. परमानेंट मतलब ऐसा समझ लीजिए, 2 साल से मतलब समझ लीजिए परमानेंट है. क्लियर होगा, तो ये चीज आपको याद रखनी. देखिए यहाँ पे ग्लोबल क्रायोस्फीयर और इसके टाइप देख लीजिए आप, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. तो मैंने आप लोगों को इमेज के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है मैप में कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा रीजन है. एक बार आप देखेंगे तो आपके क्लियर हो जाएगा. देखिए ये ग्लेशियर हो गया, पिंक कलर से जितना भी वो सारे क्या है, ग्लेशियर है. ये जो रेड कलर में है हल्का सा ऑरेंज में, तो ये जो है इस क्या है आइस शीट, इतनी बड़ी जो है ये आइस शीट है. और ये जो आइस है वो क्या है, वो आइस सेल्फ है. तो ये ऊपर की तरफ आइस सेल्फ जाता है, ये नीचे की तरफ आइस सेल्फ जाता है, तो इसको आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं एक बार. क्लियर हुआ, तो ये यहीं पे सारी चीजें बात की जा रही है. एटमॉस्फेयर पोटेंशियल जो है एक्सेलरेट कर देगा, क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से, अगर ये चीज पिघलना स्टार्ट हो गई और तेजी से पिघलना स्टार्ट हो गई तो ये मान चलिए इतना तेजी से क्लाइमेट चेंज होगा कि आप बता नहीं सकते हैं. बहुत तेजी से क्लाइमेट चेंज होगा, क्योंकि वो क्लाइमेट चेंज होगा तेजी से टेम्परेचर राइज करेगा और वो एल्बिडो इफेक्ट वगैरह आगे जो हम देखेंगे किस तरीके से पड़ेगा तो वो बढ़ता जाएगा. इंपैक्ट देखते हैं. चलिए रिवर रन ऑफ, बहुत तेजी से पानी एकदम से, जैसे अगर हिमालय से अगर बहुत तेजी से बर्फ बहुत ज्यादा अगर पिघलना स्टार्ट हो गई, मेल्ट होना स्टार्ट हो गई, तो बहुत तेजी से पानी आएगा, फ्लड आने की संभावना बढ़ सकती है. ठीक है, पीक वाटर बढ़ सकता है, ठीक है, रन ऑफ जो है वाटर जो है डिक्लाइन हो सकता है. तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे निकल के आएंगे. वाटर क्वालिटी टॉक्सिक हो सकती है. सिंपल चीज, आप जानते हैं कि अर्थ के अंदर जो है बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स भी हैं. वो केमिकल्स अगर हमारे जो हम पानी जो पीते हैं उसके अंदर मिल गया तो बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है. जैसे कि टॉक्सिक ह्यूमन डिराइव केमिकल हो गए, इंक्लूडिंग मेटल्स, ब्लैक कार्बन, ये सारे अगर यहाँ पे इसके साथ मिल जाता है तो हमारे पानी के अंदर आ जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर के अंदर, और जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है और हेल्थ इशू देखने को मिल सकता है. अब देखिए
एनर्जी स्टोर की अगर आप बात करते हैं तो हाइड्रो पावर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन अगर इनफ्लक्चुएशन हो गया कि कहीं पे बहुत ज्यादा पानी है कहीं पे बिल्कुल पानी नहीं है, जैसे 100% ऑलमोस्ट 100% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, जैसे कुछ माउंटेन नेशन के अंदर से अल्बानिया हो गया और पेरू हो गया, वो 100% उसी से डिपेंड करते हैं, हाइड्रो पावर में डिपेंड रहते हैं। अगर वही इम्पैक्ट हो गया इसके वजह से, रिस्क में आ गया ग्लेशियर स्नो कवर की वजह से, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, उनकी एनर्जी वो कहाँ से लेके आएंगे। हैबिटेबिलिटी की बात करते हैं, अगर मैं बात करता हूं तो बायोडाइवर्सिटी है इंक्रीज एट द हायर एलिवेशन। बहुत सारे ऐसे बायोडाइवर्सिटी हैं जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं, लेकिन अगर उनका रीजन और टेम्परेचर इंपैक्ट होगा तो उनकी वल्नरेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ। पोलर रीजन की बात करते हैं, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन स्टैटिक का टॉपिक भी है, करंट अफेयर्स का भी टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इसके ऊपर कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। अ टीम ऑफ साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाई आयोडिक एसिड HiO3 ठीक है एज अ नोवल ड्राइवर ऑफ एरिसोल पार्टिकल। याद रखिएगा एरिसोल पार्टिकल फॉर्मेशन इन द आर्कटिक विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्कटिक एम्पलीफिकेशन और आर्कटिक वार्मिंग। मतलब एक तरीके से आर्कटिक रीजन में टेम्परेचर का बहुत तेजी से बढ़ना, उसे हम कहते हैं आर्कटिक एम्पलीफिकेशन। क्लियर हो गया। यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इमेजेस में जो रेड वाला रीजन है वो तेजी से आप देखिए कितनी तेजी से रेड हो रहा है, मतलब एक तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्लियर। कुछ रीजन्स यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ रीजन्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे जनरल सी, जैसे एल्बिटो में चेंज होना, चेंजिंग ओशन करंट्स चेंज होना और चेंजिंग वेदर में चेंज होना, तो ये तीन रीजन है जो इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख सकते हैं, इसके ऊपर कुछ और पॉइंट्स ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए इस फ्लो चार्ट को देखिए, और इस तरीके से फ्लो चार्ट अगर आप अपने आंसर राइटिंग में बना के आते हैं, डेफिनेटली आपको आंसर क्वालिटी वाला बनेगा और नंबर मिलेंगे। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी, नियर सरफेस टेम्परेचर राइज हुआ, तो सी आइस मेल्ट हुई, स्नो मेल्ट्स हुए, अगर स्नो मेल्ट्स हुआ तो वो जाके क्या हुआ, बायोलॉजी वहां पे इंक्रीज बायोलॉजिकल एक्टिविटीज बढ़ जाएगी और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आना शुरू हो जाएंगे, पेड़ पौधे लगना शुरू हो जाएंगे, नॉर्मल टेम्परेचर आना शुरू हो जाएगा, तो लोअर सर्फेस एल्बिडो, जो सर्फेस का एल्बिडो होगा वो कम हो जाएगा, मोर सोलर एब्जॉर्प्शन। एल्बिडो मतलब होता है कितना, मतलब एक तरीके से सपोज ये कोई सरफेस है, ये सरफेस में सोलर रेडिएशन आ रही है, टकरा कर वापस कितना रिफ्लेक्ट हो रही है, तो जो जितना ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी उतना कम टेम्परेचर रहेगा, लेकिन जितना ज्यादा ये एब्जॉर्ब कर लेगी, अगर ये एब्जॉर्ब कर लेगी और कम रिफ्लेक्ट होगी तो सारे का सारा क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, जब हीट को वो एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा, दैट मीन्स मोर सोलर ऑब्जॉर्प्शन मतलब मोर टेम्परेचर राइज, अगर टेम्परेचर राइज होगा तो डेफिनेटली और प्रॉब्लम निकल के आएगी। क्लियर हुआ पॉइंट। वार्मिंग ओशन मिक्सिंग लेयर, ओशन में जो लेयर्स हैं वो मिक्स होना शुरू हो जाएंगे, जैसे स्टार्टिंग वाली लेयर जो है थोड़ा हीट रहती है, गर्म टेम्परेचर रहता है, ज्यादा रहता है, नीचे वाली कूल रहती हैं, जो कूल रहती हैं वो भी अब वार्म होना शुरू हो जाएंगी, इंटरमिक्सिंग स्टार्ट हो जाएगा इसकी वजह से, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। साथ में और क्या हो सकता है कि यहाँ पे देखिए एरिसोल एटमोस्फेरिक सर्फेस के अंदर और ज्यादा मिल जाएगा, मोर डाउनवर्ड टेरिस्ट्रियल रेडिएशन बढ़ जाएगा, रिड्यूस स्टेबिलिटी जो है वाटर का, वेपर क्लाउड्स वगैरह, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, कहीं पे भी बहुत तेज पानी गिर रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, तो ये ऐसी कंडीशन फ्यूचर में देखने को मिल सकती है अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया क्लाइमेट चेंज में, तो नियर सर्फेस टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। हाँ, याद रखना है जिस तरीके से हमने बात करी आर्कटिक रीजन के, यहाँ पे कोई भी एंटार्कटिक एम्प्लीफिकेशन नहीं होती है, ऐसा कोई चीज नहीं होती है, नो एंटार्कटिक एम्प्लीफिकेशन। क्यों नहीं होता है, सिंपल सा रीजन है इसका, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे इतनी तेजी से इंक्रीज नहीं होता है, इसका रीजन है कि ये जो साउथर्न ओशन से चारों तरफ से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसका एल्बिडो बहुत कम है, मतलब एल्बिडो जो है ज्यादा है, तो सपोज सरफेस है, मतलब एक तरीके से आप इसको याद रखना है, ये लैंड हो गया है, ये बता देता हूँ, ये सपोज ओशन है, ओशन के चारों तरफ लैंड है, ये ओशन है गोल वाला और इसके चारों तरफ लैंड है, तो ये लैंड जो होता है ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है इन कंपैरिजन टू वाटर, और आइस जो है सबसे कम एब्जॉर्ब करता है इन कंपैरिजन टू वाटर। मतलब अगर मैं एक बता दूं तो लैंड सबसे ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, देन फिर वाटर करता है, और देन फिर आइस करता है, तो आइस सबसे
कम करता है, याद रखना, क्लियर। तो अगर आइस वाटर में मेल्ट हुआ तो ये हीट एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा, अगर वाटर वाटर की जगह लैंड रहा उस एरिए पे तो हीट एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट। तो साउथर्न रीजन के अंदर क्या है, साउथर्न रीजन के अंदर ओशन ज्यादा है, साउथर्न ओशन है, तो इसलिए वहां पे टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है, इतना तेजी से नहीं बढ़ता, तो इसे हम एंटार्क्टिक एप्लीकेशन नहीं करेंगे। क्लियर। यहाँ पे जनरल चीजें हैं जो मैंने बस लिख दी हैं, आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, पर ऐसा कुछ खास इसके अंदर नहीं है, हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, तो आप चाहें तो एक बार रीड कर लीजिए। क्लाइमेटिक हजार जैसे ड्रॉट हो गया, क्या जेंडर क्लाइमेट के अंदर और सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स निकल के आएगी, ड्रॉट आएगा, सी लेवल राइज होगा, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होगा, वार्मर टेम्परेचर होगा, हाउस होल्ड के अंदर कमिटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट निकल के आएगा, पानी बढ़ेगा तो जो बॉर्डर में एरिया है उनके ऊपर आएगा, क्या ये हमारा एरिया है, ये हमारा एरिया है, इस तरीके से डिस्प्यूट आगे देखने को मिल सकता है, मैन मेड कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो ये सारी चीजें हैं, आप एक बार जरूर रीड करिएगा। नियरली 5 मिलियन पीपल, यहां से देखिए नियरली जो मैंने बात की थी ना कि मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे कि इंटर डिस्प्लेसमेंट कि अंदर ही अंदर इंटर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, इंट्रा डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हैं इसे। नियरली 5 मिलियन पीपल आर डिस्प्लेस इन इंडिया इन 2019, इट इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा है ये, याद रखिएगा। मतलब क्यों, क्लाइमेट चेंज की वजह से, जैसे बहुत ही से साइक्लोन आ गया, ड्रॉट पड़ गया, कहीं पे सूखा पड़ गया, अब वहां पे खाने के लिए नहीं, तो लोग वहां से हट हट के कहाँ आ रहे, दूसरी जगह आएंगे, तो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है यहाँ पे। रीजन क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेयर प्रमोटेड बाय इंक्रीजिंग हजार्डियस इंटेंसिटी, हाई पॉपुलेशन हो गया, सोशल इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है, और इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट क्या है, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून, More than 2.6 million people suffer displacement due to the southwest monsoon. Southwest monsoon की वजह से 2.6 million people, ये डेटा याद रखिएगा, 2.6 million people जो है डिस्प्लेस हुए हैं, सफर हुए हैं यहाँ पे southwest monsoon की वजह से। 2019 was the 7th warmest year since 1901. तो 1901 से 2019 रहा है हमारा पिछले साल, वो सबसे ज्यादा गर्म जो रहा हो साल रहा है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। साइक्लोन फनी एंड बुलविल आल्सो लेड टू ह्यूज डिस्प्लेसमेंट, इनकी वजह से, अगर कुछ साइक्लोन का आप एग्जांपल देना चाहें तो फनी और बुलबुल, इनकी वजह से बहुत बड़े लेवल पे डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला है। क्लियर हुआ। देखिए आज हमने ये टॉपिक को डिस्कस किया, नेक्स्ट लेक्चर में हम और नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और आपको इसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, कौन सी चीजों आप चाहते हैं कि चेंज हो या फिर इंक्लूड करें हम, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हमें मेल भी कर सकते हैं। देखिए सपोर्ट अस सो दैट वी कैन सपोर्ट यू, इफ दिस वीडियो इंक्रीज योर नॉलेज एंड हेल्प इन योर प्रिपरेशन प्लीज सपोर्ट अस बाय कंट्रीब्यूटिंग अस, स्कैन दिस क्यूआर कोड इन पेटीएम और एनी यूपीआई ऐप, आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं स्कैन कर से किसी भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजोन, कहीं भी बैंक से, तो आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट जरूर कीजिएगा जिससे हम आप लोगों की और ज़्यादा मदद करिएगा। आप हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ फॉलो कर सकते हैं, स्टडी टाइम एकेडमी के नाम से हमारा ये वेबसाइट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप जल्दी पहुँच जाएंगे studytimeacademy.com, तो यहाँ पे आप जरूर विजिट करिए। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर इसे फटाफट ज्वाइन कर लीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए, और आपके पास समय कम है इसलिए आप बार बार इसको रिवीजन करने की कोशिश करिए।